तो गाइस आज की वीडियो एक सब्सक्राइबर की कमेंट पे होने वाली है। उन्होंने मुझसे पूछा था सेपरेट वेज एडा वोंग की स्टोरी कैसे खेल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच करोगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एडा की स्टोरी को खेलना चाहते हो या फिर उसकी स्टोरी में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको आप डिटेल से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो सिंपली गाइस मैं स्ट्रीम की स्क्रीन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखो दो टाइप्स की गेम आपको दिख रही है। एक नॉर्मल गेम है जो $40 में मिलती है, लेकिन आपको अभी ऑफ चल रहा है तो $30 में मिल रही है। एक गोल्ड एडिशन है और ये गोल्ड एडिशन $50 का है, 1 सेंट कम। ऑफ की वजह से आपको $40 में आप परचेस कर सकते हो। गोल्ड एडिशन है तो इसके अंदर आपके पास DLC मौजूद होगी, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड एडिशन नहीं है, नॉर्मल गेम प्ले आपने बाय किया है जो कि $40 का लिया है या आप अभी लेने वाले हो, तो इसके अंदर DLC नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको DLC बाय करनी होगी, बट DLC के अंदर बहुत सारी DLC है। लेकिन आप अगर एडा वाली स्टोरी कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेपरेट वेज बाय करना पड़ेगा जो कि 9.99 सेंट का है, ठीक है। ये टोटल $10 ही बनते हैं, तो जस्ट इसको आपने परचेस करना होगा। और आपके पास ऑलरेडी गेम है और आपने इसको परचेस कर लिया तो आप इसको खेल सकते हो, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास गेम क्रैक है और आप DLC जस्ट बाय करोगे तो फिर भी आप नहीं खेल सकते। गेम भी आपकी परचेज होनी चाहिए और फिर आप DLC बाय करोगे तो फिर आप खेल सकते हो। फ्यूचर में अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो तब का तब देखेंगे। तो सेपरेट वेज का कोई ऑप्शन नहीं है क्रैक में। रेजिडेंट एवल 4 रीमेक खेलना चाहते हो तो वो क्रैक हो चुका है, ठीक है। तो DLC मैंने आपको बता दी है, सेपरेट वेज की ही बाय करनी है। DLC तो बहुत सारी है। अब इसको आपके पास DLC मौजूद है, गेम भी मौजूद है, आपने परचेज की हुई है। आप इसको कहाँ देख सकते हो, कैसे खेल सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ स्क्रीन पे देखो गाइस मेंशन भी है कि अगर आपके पास डाउनलोडेबल कंटेंट है तो फिर आप इसको खेल सकते हो। लाइक सेपरेट वेज को अगर आपके पास गेम भी मौजूद है और DLC भी मौजूद है तो फिर आप इसको खेल सकते हो। या मेंशन भी मौजूद है, ठीक है, मेंशन किया हुआ है। ओके, तो आप जानते हैं कि आपने इसको मेन्यू पे कैसे देखना है, आप इसे कैसे खेल सकते हो। ओके, तो हम यहाँ सिंपली गेम की स्क्रीन पर आए तो आप देखो सेपरेट वेज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये सेपरेट वेज यहाँ ऑप्शन पे भी मेंशन करते हैं। आपके पास DLC होगी तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा सेपरेट वेज। यहाँ से भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन और एग्जिट कर सकते हो, इजीली यहाँ से खेल सकते हो। ये हो गया सेपरेट वेज, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर द मर्सनरीज का ऑप्शन है। आप देखो सेपरेट के नीचे ही द मर्सनरीज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी ना आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एडा का कैरेक्टर है ना वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो गेम प्ले यहाँ पर आप एडा के कैरेक्टर से भी खेल सकते हो इजीली। यहाँ पे ऐड हो गया है द मर्सनरीज के ऑप्शन में भी। सेपरेट वेज में जाओ, यहाँ पर सिंपली आप स्टार्ट पे क्लिक करो, गेम आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, आपका भी गेम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।